टांडा के गांव भागोवाल में लड़ाई झगड़े के बाद शौहर की बीवी को गाड़ी तले कुचलकर कत्ल करने की कोशिश। खातून की अस्पताल में हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। थाना टांडा के इलाका भागोवाल में शादीशुदा खातून शुमाइला को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया। ड्राइवर कार समेत मौके से फरार हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शदीद जख्मी हालत में शुमाइला को अस्पताल पहुंचाया। कार की टक्कर से लहूलुहान होने वाली खातून शुमाइला ने अस्पताल से एक वीडियो बयान भी जारी किया है, जिसमें अहम इंकशाफ किया गया है। मैं शुमाइला गुजरात रहायशी के लोग की लड़की, मेरे मियाँ ने मैं अपनी शाहजोदी गड्डी चला दिखा। मैं पर्चा कटाया, मेरा कोई पर्चा नहीं कटा गया, मेरी कोई गाल नहीं सुन गया। मेरी इस टाइम बुरी हालत है, मैं किन्दे को अपनी दरख्वास्त लेके मेहरबानी करके मेरी वीडियो वायरल करो, मेरे मियाँ जो हक सजा बनती है। मैं इस टाइम सिटी हस्पताल गुजरात दाखिल, मेहरबानी करके मेरे नाल इंसाफ किया जाए। मैं तुहाडे को कमेंट्स नहीं मंगती, मैं तुहाडे को लाइक नहीं मंगती, मेरी बस वीडियो वायरल करो। उन्हें अपनी शाज और गड्डी अगले दो पहिया थल दे के मेरा बुरा हशर किया। मेहरबानी कुशल पुलिस वाले ने उन्हें मेरे मियाँ को पैसे भी ले लेने, मेरा तो पर्चा नहीं कटन गया। मेरा इंसाफ करो, दुनिया वालों इंसाफ करो। जख्मी खातून ने डीपीओ गुजरात उमर सलामत से मुतालबा किया है कि उसे कत्ल करने की कोशिश करने वाले उसके शौहर की फौरी गिरफ्तारी की जाए। मेरी जान को मेरे शौहर से अब भी खतरा है। आकाश न्याजी, आवाज न्यूज, गुजरात। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।